हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं लेकर आने वाला हूं आपके सामने 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का लेक्चर वीडियो, तो आज आपका इंतजार दोस्तों यहां पे होता है खत्म, बिकॉज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए 8th स्टैंडर्ड के लिए यहां पे मैथ्स का लेक्चर वीडियो। इसके पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि 8th स्टैंडर्ड का ऑलरेडी हमने साइंस का 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है फ्रेंड्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर। अगर अभी तक हमने हमारे साइंस के लेक्चर वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल के आप वीडियो सेक्शन में एंड प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो, वहां पे आपको साइंस के तीनों लेक्चर वीडियोस, तीनों चैप्टर के लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे। आज से आपको मैथ्स के भी लेक्चर वीडियोस कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 8th स्टैंडर्ड मैथ्स का, जिसका नाम है फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि रैशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर होता क्या है। उसके पहले यहाँ पे कुछ बेसिक नंबर्स होते हैं, कुछ यहाँ पे आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, ये क्या होते हैं यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा। और एक चीज, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है फ्रेंड्स 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स का, तो आप अपने सामने खोल के बैठ सकते हो ये वीडियो प्ले करते के टाइम। एंड अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप डायरेक्टली पीडीएफ के फॉर्म में भी हमारे टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैसे डाउनलोड करते हैं, तो पीडीएफ खोल के आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, या फिर आपके पास अगर दूसरा मोबाइल फोन है तो वहां पे भी आप ओपन करके बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं है फ्रेंड्स तो कोई बात नहीं, आप हमारा ध्यान से ये वीडियो देखोगे तो आपको टोटली समझ में आ जाएगा, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर वीडियो। ओके, तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि हम रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर स्टार्ट करें, तो आपको कुछ बेसिक नंबर सबसे पहले पता होने चाहिए क्या होता है। तो अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पे होता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स का मीनिंग क्या होता है पहले आपको समझना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 से लेके आप देखोगे डॉट डॉट डॉट, मैं यहाँ पे बना रहा हूं और यहाँ पे मैं सिंबल बना रहा हूँ एक इन्फिनिटी का, दिस इज नोन एज इन्फिनिटी, क्योंकि मुझे पता नहीं कि वो कहां तक जाएगा। आपको पता है, आपको अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ कि सबसे लास्ट नंबर कौन सा है, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है और ऐसा कुछ नंबर डिस्कवर ही नहीं हुआ है कि हम लोग बोल सके कि सबसे लास्ट में सबसे आखिरी डिजिट क्या होता है, सबसे आखिरी नंबर क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, कि हमारा 1 से लेके, अगर कोई भी नंबर 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, तो वो नंबर्स, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप के नंबर्स की, ये तो आपको समझ में आ गया नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है। वैसे एक और नंबर होता है फ्रेंड्स जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, WHOL, होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स क्या होता है, ठीक है, होल नंबर की बात करूं तो जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता था, फर्क इतना ही है नेचुरल नंबर और होल नंबर में, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2, 3 डैश 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 लेके जाओ, और कहां तक लेके जाओ, इन्फिनिटी तक लेके जाओ, जो कि आपको नहीं पता है कहां तक। तो अगर कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 0 आ रहा है, 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग बोलते हैं इसको हमारा होल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे तीसरे टाइप के नंबर की, ये तो दूसरा होल नंबर, दूसरा टाइप का नंबर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो सिस्टम होता है, तीसरा जो टाइप का नंबर होता है, वो होता है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, ये भी आपने बहुत पहले सुना होगा। ठीक है ना, इसके पहले आपने 7th स्टैंडर्ड में, मेरी 6th स्टैंडर्ड में आपने सुना होगा इंटीजर्स क्या होता है। अब इंटीजर्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है, ये कुछ ऐसे नंबर हो सकते हैं, मैं स्टार्ट करूं अगर 0 से, तो 0, 1, 2, 3 से लेके मुझे पता नहीं है तो मैं बोलूंगा इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें आ जाते हैं निगेटिव नंबर्स भी। निगेटिव नंबर्स मतलब क्या हो गए, क्योंकि आपको पता है कि 0 जब राइट हैंड साइड की तरफ जाता है, हमारा राइट तरफ जाता है, तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, नंबर लाइन आपको पता है, नंबर लाइन में हम लोग ड्रॉ करते हैं 0, 1, 2, और उसके निगेटिव साइड में आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो निगेटिव ड्रॉ करते हैं, वही चीज। अगर यहाँ पे पॉजिटिव में 1 है तो यहाँ पे निगेटिव में 1 होगा, यहाँ पे आगे पॉजिटिव में 2 है तो आगे इसके आगे निगेटिव में 2 होगा, -2, -1, -3 ऐसा होता है। तो सेम चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इंटीजर्स में, कि 0 के राइट हैंड साइड अगर 1, 2, 3 है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड भी -1 होगा, फिर -2 होगा, -3 होगा, ऐसे आप बढ़ते जाओगे तो ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, जो कि मुझे पता नहीं है। ठीक है ना, तो आगे भी लेफ्ट हैंड साइड में भी लास्ट में इन्फिनिटी, राइट हैंड साइड में भी लास्ट में भी इन्फिनिटी। इसका मतलब कोई भी नंबर 0 से राइट हैंड की तरफ जाए पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक, 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ जाए निगेटिव में इन्फिनिटी तक, तो ऐसे नंबर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, आपको याद रखना। तो निगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं इसमें, 0 भी आ जाता है आपका, पॉजिटिव नंबर्स वो भी आ जाते हैं, तो ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, तीसरा जो टाइप का नंबर है। अब जो चौथा नंबर है, जो कि हमारा एक्चुअल है, जिसका नाम है रैशनल नंबर, वो क्या होता है वो आपको मैं बताता हूं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स का मीनिंग, ठीक है, टॉपिक लिख दूं सबसे पहले, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, तो अगर मैं बताऊं यहां पे कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं या फिर अपॉन में होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक बेसिक सिंबल लिखूं p अपॉन q,
तो पी अपॉन क्यू क्या है, लेट सपोज कि पी मेरा कुछ नंबर रहेगा और क्यू मेरा एक नंबर रहेगा, लेकिन जो क्यू जो नंबर रहेगा इट शुड बी क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी रहेगा चलेगा, माइनस वन से लेके कितना भी जाओ, माइनस 25, माइनस 30, माइनस 100, माइनस 1000, माइनस लाख, कितना भी जाओ वही जीरो के आगे, मतलब पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4 से कितना भी आगे जाओ लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू के मतलब क्यू के जगह पे अगर जीरो रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो हम लोग ये चीज नहीं कर सकते, क्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, लेट सपोज पी के जगह पे कोई नंबर ले लेता हूँ, लेट सपोज 5, क्यू के जगह पे एक नंबर ले लेता हूँ 3, तो ये 5/3 जो है ये एक नंबर है और ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। ये ऐसा आपको याद रखना है कि कभी भी कोई नंबर अपॉन के फॉर्म में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, ऊपर नीचे दोनों में कोई भी केस में पॉजिटिव निगेटिव कोई भी हो चलेगा, ऊपर अगर मैंने निगेटिव डाल दिया साइन, माइनस डाल दिया, यहाँ पे माइनस डाल दिया, ऐसा भी है तो भी चलेगा, लेकिन नीचे जो है डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर अगर रहते हैं, और एग्जाम्पल बताऊं 7/4 ले लो, -3/2 ले लो, 4/-3 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ऐसे कुछ नंबर्स जो होते हैं फ्रेंड्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, चार टाइप के नंबर सिस्टम जो होते हैं वो आपको समझा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन के फॉर्म में पढ़ेंगे कि हमारा जो रैशनल नंबर होता है उसको हम लोग नंबर लाइन्स पे कैसे लाइक शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है टू शो द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये वाला पार्ट आपको समझा होगा, रफ कर रहा हूं मैं। ओके, एक नंबर लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताऊंगा आपको कि ये क्वेश्चन पूछा है हमें, क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक ही है, टू शो द रैशनल नंबर, टू शो द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आपको नंबर लाइन में क्या करना है, हमारा रैशनल नंबर को शो करना है, और कौन से पॉइंट्स को शो करने है वो भी यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है। लेट अस शो, तीन पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक है आपका 7/3, ओके, दूसरा आपको दिया हुआ है 2, एंड तीसरा आपको दिया हुआ है -2/3। ये तीन जो पॉइंट्स है आपको 7/3, 2 और -2/3, ये तीन चीज को आपको एक नंबर लाइन में शो करके बताना है, आपको ड्रॉ करके बताना है, बहुत सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपके बुक में एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है नंबर लाइन को बनाने के लिए, और उसके बीचों बीच एक्जैक्टली आप बीचों बीच क्या करो, एक जीरो पॉइंट ले लो, क्योंकि आपको पता है जीरो हमारा बीच में आता है, उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव में क्या बनता है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर का ले लो, कितना भी आपके हिसाब से ले सकते हो, एक डिस्टेंस पे 1 बना दो, 2 बना दो, और थोड़ा लंबा ले लेता हूं 3 बना दो, 4 बना दो, कितना भी बना सकते हो आप, आपकी मर्जी, पर ज्यादा मत बनाओ, 3-4 बना दो, बस हो गया। वैसे पॉजिटिव में बन गया, वैसे निगेटिव में भी आपका क्या बन जाएगा, -1, -2, इसको और थोड़ा लंबा कर दें अगर, तो ये बन जाएगा -3। ठीक है, यहां पे मैं स्टॉप करता हूं। अब आपको क्या दिखाना, ये जो नंबर है 7/3, 2 और -2/3, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो ये जो 2 है, 2 थोड़ा आप डायरेक्टली शो कर सकते हो, क्योंकि 2 आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट 2 है, तो ये तो आपको डायरेक्टली मिल गया कि दिस इज माय पॉइंट 2। ठीक है, ये मेरा कौन सा है, पॉइंट 2, ये मैंने आपको दिखा दिया ये वाला। ठीक है ना, 2 का पॉइंट है ना हमारा, यहाँ पे आपने दिखा दिया कि 2 मैंने वहां पे शो करके बता दिया, शो करने बोला था टू शो द रैशनल नंबर, तो यहाँ पे रैशनल नंबर 2 जो है वो मैंने शो कर दिया। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारा बच जाता है 7/3 और -2/3, इसको मैं कैसे शो करूंगा, इसको मैं कैसे शो करूंगा। अब 7/3 आप देखोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है, कोई भी रैशनल नंबर अगर आपको दिया रहता है तो आपको ये देखना होता है कि जो डिनोमिनेटर दिया है वो डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिनोमिनेटर में हमारा जितना भी वैल्यू दिया रहता है हम उसके हिसाब से हमारे जो यूनिट होते हैं उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कि नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 3 है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा एक यूनिट है यहाँ पे, यूनिट मतलब क्या, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, ये क्या है, एक एक यूनिट है हमारे। तो ये एक यूनिट को हम लोग को कितने हिस्से में डिवाइड करना है, 3 हिस्से में डिवाइड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। डिनोमिनेटर में अगर 4 होता तो 4 हिस्से में, 2 होता तो 2 हिस्से में, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, हमारे हर यूनिट को 3-3 हिस्से में डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे 0 से लेके 1 है तो 3 हिस्से में डिवाइड करना है। तो अगर आपके पास लाइक स्केल से आपने अगर इसको बनाया होगा तो 3 हिस्से में आप डिवाइड कर सकते हो कि लेट सपोज आपने अगर 1 सेंटीमीटर का बनाया हुआ है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर का एक यूनिट बनाया, तो आप क्या करोगे उसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, 0.33 समथिंग मिलेगा। तो 0.33 सेंटीमीटर आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो, अगर नहीं किया तो आप अंदाजा से आपका जो लाइक इमेजिनेशन होता है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, जैसे कि मैं करने जा रहा हूं क्योंकि मैंने अपने हाथों से बनाया इसको। तो आप क्या करोगे, 0 से 1 को 3 हिस्से में डिवाइड करोगे, तो एक यहां पे मैं पॉइंट को यहां पे कट करता हूं, दूसरा यहां पे कट करता हूं, तो देखोगे तो मैंने ये 3 इक्वल हिस्से, एक ये वाला, मैंने 0 से लेके 1 जो ये यूनिट है मेरा, इसको मैंने 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया, ये वाला हिस्सा। समझ में आया, वैसे बाकी को भी करना है मुझे, ठीक है। 1 से 2 को भी मैं 3 हिस्से में डिवाइड कर दूंगा, हो गया 3 हिस्से में, 2 से लेके 3 को भी मैं 3 हिस्से में कर देता हूं, हो गया 3 हिस्सा, 3 से लेके 4 को भी 3 हिस्से में, ये हो गया 3 हिस्सा। वैसे ये वाला पार्ट भी आप देखोगे तो 0 से लेके -1 है, इसको भी 3 हिस्सा कर दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये हो गया 1, 2, 3 हिस्सा। वैसे यहाँ पे भी आप देखोगे
तो इसमें भी दो लाइन खींच दोगे तो आपका तीन हिस्सा बन जाएगा, इसमें भी आप बीच में दो लाइन खींच दोगे तो बन जाएगा आपका तीन हिस्सा। तो मैंने सबको क्या किया, तीन तीन इक्वल हिस्से में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों तीन हिस्से में किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में थ्री दिया हुआ है। अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल हो गया, जीरो से स्टार्ट करना है आपको। तो जीरो के बाद जो सबसे पहला लाइन रहेगा, सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका वन, लेकिन वन किसका, तीसरे हिस्से का, थर्ड है ना नीचे। तो आपको ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में थ्री है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसा वैसा नंबर इसमें लगाते जाओ। सबसे पहला वन है तो ये वन बाय थ्री बन जाएगा, ये है टू तो ये टू बाय थ्री बन जाएगा, ये थ्री है तो ये थ्री बाय थ्री हो जाएगा, और थ्री बाय थ्री क्या होता है, वन होता है, इसके लिए यहाँ पे वन आया। करेक्ट है, ये समझ में आ रहा है आपको, बहुत ईजी है, बहुत मस्त है ये चीज। आप अगर देखोगे ये वाला पार्ट तो बहुत ईजी है, मजा आने वाला आपको करने में। तो वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपको सेवन बाय थ्री दिखाना है, तो मुझे पूछा है ना टू शो द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये नंबर लाइन में मुझे ये वाला जो नंबर है सेवन बाय थ्री इसको दिखाना है। तो सेवन बाय थ्री में कैसे लाऊंगा, आपको गिनना है जीरो के बाद सेवन, सेवन बाय थ्री पॉजिटिव है तो राइट साइड, नेगेटिव होता तो लेफ्ट साइड, और जीरो के बाद यहाँ पे सेवन बाय थ्री मेरा पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड सातवां। तो जीरो के बाद यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह सात, तो दिस पॉइंट ये मेरा क्या है, सातवां पॉइंट है, तो ये मेरा बन जाएगा सेवन, और नीचे तो थ्री आएगा क्योंकि हम लोग ने हर एक को तीन में डिवाइड करके रखा है, तीसरे हिस्से में डिवाइड किया है, तो ये जो सेवन है ये हो जाएगा सेवन अपॉन थ्री, मतलब ये जो मेरा ये वाला पॉइंट है ये मेरा बन जाएगा सेवन अपॉन थ्री का। इसको मैं अलग से लिख देता हूं कि पॉइंट सेवन अपॉन थ्री, ठीक है ना, जो ये वाला है। टू तो हमने दिखा दिया ऑलरेडी, ठीक है, अगर ये टू बाय थ्री भी होता, ये अगर टू बाय थ्री होता तो कैसे दिखाते, जीरो है, जीरो के बाद पहला ये वन वन बाय थ्री, ये दूसरा टू बाय थ्री, तो ये वाला बन जाता हमारा टू बाय थ्री, टू बाय थ्री वाला पॉइंट। करेक्ट है, वैसे ये वाला है माइनस टू बाय थ्री है, तो माइनस टू बाय थ्री मतलब जीरो के लेफ्ट हैंड साइड आप जाओगे तो ये मेरा रहेगा माइनस वन बाय थ्री, ठीक है ना, ये मेरा रहेगा माइनस वन बाय थ्री, उसके बाद यहाँ पे दूसरा रहेगा ये माइनस टू बाय थ्री, तो दिस पॉइंट ये जो है हमारा माइनस टू बाय थ्री बन गया। वैसे अगर कुछ और होता, लेट सपोज मुझे अगर क्वेश्चन पूछता और बोलता कि ड्रॉ करो माइनस सिक्स बाय थ्री, माइनस सिक्स बाय थ्री आपको ड्रॉ करने बोलता, तो सिक्स कहां से आएगा, जीरो के बाद लेफ्ट हैंड साइड, माइनस है इसके लिए लेफ्ट साइड, तो जीरो के बाद पहला ये वन बाय थ्री, टू बाय थ्री, थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये रहता मेरा माइनस सिक्स बाय थ्री, और आपको पता है सिक्स को थ्री से डिवाइड कर सकते हैं, तो थ्री वन जो थ्री, थ्री टू जो सिक्स, मतलब हमारा आता टू माइनस टू, तो इसके लिए ये क्या है, माइनस टू ही है ना फ्रेंड्स। तो ये आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था कि नंबर लाइन जो है वो बहुत ईजी होता है ड्रॉ करना, एंड उस पर रिप्रेजेंट करना रैशनल नंबर को और भी ज्यादा ईजी होना होता है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैं बार बार वही बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई पूछेगा कि रैशनल नंबर ड्रॉ करो नंबर लाइन में, सबसे पहले आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है। अगर टू दिया रहेगा, थ्री दिया, जैसे यहां पे थ्री दिया हुआ है, तो आपने हर एक को पहले तीन तीन हिस्से में डिवाइड किया, टू दिया रहेगा तो आपको दो दो हिस्से में डिवाइड करना है, फिर आपको क्या करना है यहां पर ड्रॉ करना है, एंड वो पॉइंट जो है उसको काउंट करके प्लेस करना है, और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट जो है और आज का लेक्चर जो है यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर टू ये पर्टिकुलर चैप्टर का, उसमें हम कराएंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1, जो कि इसके बाद का, क्योंकि ये तो आपको समझ गया कि नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, रैशनल नंबर कैसे शो करते हैं, क्योंकि उसी के बेस पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 है। तो टोटल उसमें दो तीन क्वेश्चन है, वो हम लोग सोल्व कर लेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, बिकॉज आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूं, आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाया हूं, तो आप लोग का भी एक फर्ज बनता है फ्रेंड्स हमारे प्रति कि आपको ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो एंड हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोज अपलोड होते हैं एजुकेशनल वीडियो, आप लोग एक हर स्टूडेंट तक पहुंचाओ जो इवन एक छोटे से छोटे गांव में भी रहता है, महाराष्ट्र स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, छोटे से छोटे गांव में भी पहुंचना चाहिए वीडियो, ताकि वो लोग जो हमारे लाइक वीडियोज देखेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फीस को कि वो बाहर जाके पढ़ सके, एंड आपको बाहर निकलना भी नहीं है बिकॉज पैंडेमिक कोविड 19 की वजह से बहुत बेकार हाल है, आपको नहीं निकलना है घर पे, आपको घर पे ही बैठे बैठे आपको बस नेट लगेगा, आपको हमारे चैनल पे हर एक लेक्चर वीडियोस मिलेंगे। साइंस और मैथ्स के तो मिल ही रहे हैं फ्रेंड्स, आज से मैथ्स का भी मिलने लगा है, आने वाले दिनों में आपको सोशल स्टडीज के भी लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स, एंड जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको मजा भी आएगा हमारे चैनल पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।